सना गाए अपने मसीहा की, आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु मसीह के पाक खूबसूरत जलाली और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून। मेरे जीजो, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद क़यामतुल मसीह, और ईद क़यामतुल मसीह आप सब देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर एक ख़ास बात मैं करना चाहूँगा कलाम मुक़दस में से। खुदा के खादिम पौलुस रसूल लिखते हैं कि अगर मसीह जी ना उठता तो हमारा ईमान भी बेफ़ायदा होता और हमारी मुनादी भी। सो हम उसकी प्रस्तुति करते हैं और हम उसकी सना गाते हैं और उसी के लिए सारी दुनिया को पैगाम देते हैं कि आओ सना गाएं, जो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है और वो फाते है और किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा है और बहुत जल्द यकीनन कलीसिया को लेने के लिए वापस आएगा। सो आज का दिन बहुत खूबसूरत है, खुशियों का दिन है, और आप सब भी आज के दिन को इंजॉय कर रहे हैं कलीसियाओं में और बरकत पा रहे हैं। और आज इस ख़ास मौका पर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और आप 40 साल से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने जब आगाज़ किया खुदावंद की खिदमत का तो वो एक सना खां के तौर पर किया था, और आज पूरी दुनिया में एज़ प्रीचर जिंदगियों को जीत रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही को इस रुए ज़मीन पर एक्सपेंड कर रहे हैं। जी मेरी मुराद है हमारे बुज़ुर्ग ब्रदर सैमुअल पॉल साहब। सैमुअल साहब, हम आपको प्रोग्राम आउसना गाई में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सर। सर मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला, और यकीनन हमारे नाजरीन भी आज के इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत पाने को हैं। मैं ईमान रखता हूँ, शुक्रिया आपने दावत दी। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चूँकि आप खुदावंद की खिदमत करते हैं पूरी दुनिया में, तो मैं चाहूँगा कि आप आज के इस ख़ास दिन के मौका पर हमारे नाज़रीन के साथ कुछ शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह आज कल और अब तक यकसा है, वो बदलता नहीं है। जब वो ज़मीन पर आया था तो ये उसका ज़मीनी टाइम स्पैन था, उसका कोई आगाज़ नहीं है, उसका कोई इख्तिताम नहीं है। वो हमेशा से खुदा बाप के साथ था और वो अभी भी खुदा बाप के पास है और हमारे दिलों में बसता है। उससे कनेक्ट रहना हर लम्हे में, यही हमारी भलाई है और हमेशा की ज़िंदगी है। आज इस ईस्टर के मौका पर इस हकीकत को ले लीजिए कि हमने मसीह के साथ साथ चलना है, क्योंकि उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। वाह, यकीनन उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी की बातें और ज़िंदगी का पानी और ज़िंदगी की रोटी और सब कुछ देने वाला वही हमारा खुदावंद है। सर आपने जब आगाज़ किया जी बतौर सना खां, तो इससे पहले आपकी जो लाइफ थी, और एक मतलब हर शख्स की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जी, जहाँ पर वो खुदावंद को के साथ उसका एनकाउंटर होता है और फिर वो खुदावंद को फॉलो करना शुरू कर देता है। आप भी अपनी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करें हमारे साथ। मैं एक मसीह घराने में पैदा हुआ जी। मुझे अभी तक याद है मेरा आगाज़ जो था समझ का, वो चर्च में बैठने का माँ के साथ था। वालिद साहब दूसरी तरफ बैठा करते थे, हारमोनियम बजा रहे होते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था और बस चाहत थी कि कभी मैं भी हारमोनियम बजाऊंगा। संडे स्कूल में बड़ी बाकायदगी से भेजते थे। मुझे याद है एक दिन जब मैं बाहर खड़ा था तो पिटाई भी हुई थी, तो वालिदैन ने खुदा के घर के साथ मोहब्बत को हमारी ज़िंदगी में बोया था। वाह वाह। संडे स्कूल में जो बाजी हमारी क्लास लेती थी वो अक्सर भूल जाती थी कि मैंने पहले भी खुदावंद यीशु मसीह को ज़िंदगी देने के लिए दुआ की है, जिसे हम कहते थे तौबा की है जी जी। और वो कहती हैं कि आज कौन कौन तौबा करना चाहता है। मैं नीचे सर करता जाता, वो कहती सैमुएल तुमने नहीं करनी। मैं कहता जी करनी है, तो मैं भी हाथ खड़ा कर देता। अब वो भूल जाती हैं कि 6 महीने पहले भी इसने की थी, वो पता नहीं कितनी दफ़ा ये हो गया। जब मैंने नौजवानों की मीटिंग में ज्वाइन किया तो उस टाइम में ऐसा हुआ कि मैं इतवार की इबादत में हारमोनियम बजा रहा था,
आठ नौ गीत जितने भी आते थे वो भी कहा करते थे कि ठीक है जो इसको आते हैं वो हम गाएंगे। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था इसमें और सोचा करता था कि जब यीशु आएंगे तो मैं कहूँगा बाजा नहीं बजाया। तो बस एक दिन खुदा उन्हें पकड़ लिया। तो उससे पहले जो मेरी ज़िंदगी है वो एक मजहबी सी ज़िंदगी थी, सारा हफ्ता अपनी मर्ज़ी करना, इतवार को बहुत सीधे साधे आके बैठ जाना, तो बस अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी रहा था। पढ़ाई में नाकाम था क्योंकि उन दिनों में नहर पे नहाना और बंटे खरोड खेलना यही हमारी गेमें थी। नॉन सीरियस था, गैर संजीदा था, वालिद साहब से पिटाई भी करवाता रहता था अपनी। अच्छा। और फिर नकलें कर कर के पास होने की कोशिश करता था, बस आवारगी सी थी। बिल्कुल सही है। तो मुझे सहारे की ज़रूरत थी। वाह। और मैं सोचता था कि मैं अच्छा बनूं, जितना अच्छा बनने की कोशिश करता था उतना और ज़्यादा ख़राब हो जाता था काम। तो बेहतर नहीं हो सका, ना गालियाँ छूटी, ना बुरे ख्याल छूटे, ना बुरे काम छूटे, ना झूठ ना चोरी छूटी, बस यही थी पहली ज़िंदगी। मैं जानना चाहूँगा कि जब ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आई तो कैसा महसूस हुआ आपको, और फिर आपने लाइक उसको अपने तक महदूद रखा उस तब्दीली को, या आपके अंदर एक सोच थी कि इस तब्दीली को दूसरों के साथ शेयर करूँ? अच्छा, ये तजुर्बा बड़ा ख़ास था कि एक तो पहले मैं इस तैयारी से नहीं आया था चर्च में उस सुबह जी संडे को कि आज मेरी तब्दीली हो जाएगी। बस ऐसे था कि मैं वहाँ बैठा था और खुदाम यीशु ने मुझे पकड़ लिया और कुछ बातें मुझसे की कि या अपनी ज़िंदगी मुझे दे दे या हमेशा के लिए यहाँ से उठ के चला जा। और मुझे आंसू दिए, गुनाहगारी का एहसास दिया। मैंने रोते रोते अपनी ज़िंदगी खुदाम के सुपुर्द कर दी, और जब मैंने कर दी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधों से बोझ उतर गया बहुत सा, मैं हल्का फुल्का हो गया हूँ, मैं इशारबानी में शरीक हो गया। इबादत के बाद मैं अपने यूथ पास्टर जो उस दिन पैगाम दे रहे थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा ये तो नई पैदाइश है, तू तो नए सिरे से पैदा हो गया है, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12 आयत पढ़ ले। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो मैंने कहा अच्छा मैं खुदा का फर्जंद बन गया हूँ, ये खुदा यीशु ने मुझे इख्तियार दे दिया। उन्होंने कहा हाँ ये हक उसी ने आपको दे दिया। तो फिर पता चला कि पहली ज़िंदगी तो अपनी मर्ज़ी की थी। माँ को जाके बताया, माँ बड़ी खुश हुई। मैं हैरान भी हुआ कि इतनी संजीदगी से कोई मुझे पकड़ ही नहीं सका, खुदाओं ने डायरेक्टली पकड़ लिया। वाह वाह। और बस एक ही धुन थी, वो मुझे अपनी हजूरी में बिठाता घंटों के हिसाब से, या पढ़ाई कर ले या सिजदा रेजी में बैठा रहे। वाह वाह। और वहाँ से उसने मुझसे बातें करनी शुरू की। कलाम मुकद्दस से तो वो करता ही था, लेकिन इसके अलावा मखसूस बातें उसने मुझसे करना शुरू की, जिसके ज़रिए से उसने मुझे कह दिया कि मैंने तुझे गिटारिस्ट होने के लिए नहीं, जो कि मेरा बड़ा शौक था, मैंने तुझे कलाम की मुनादी के लिए चुना है। गिटार साइड पे करते और कलाम की मुनादी के लिए तैयारी कर, कलाम पढ़ा कर, और मैं तुझे सिखाऊंगा और जहां भेजूंगा तू जाएगा। ये ऐसे ही था, बाद में समझ आया कि जैसे पौलुस रसूल की तब्दीली थी वैसे ही कुछ मिलती जुलती मेरी तब्दीली हुई। तो ये भी कहा कि अगर तू ताबेदारी करेगा तो मैं तुझे दाऊद की तरह गीत भी दूंगा और दुनिया में ये गीत गाए जाएंगे। बस फिर ऐसा ही हो गया। चंद महीनों के बाद एक गीत आया, फिर दो, फिर 70 से ज़्यादा गीत इन 40 सालों में खुदा ने मुझे दिए। और फिर बस खड़ा कर दिया, कहीं ना कहीं बिठा दिया किसी के साथ, और कहा कि इम्तियाज़ नहीं करना, चाहे कोई मसीही हलके में है या कोई हिंदू है या मुसलमान बहन भाई हैं, बस जब हुक्म हो गया तो आपको बोलना है, परमेश्वर आपको प्यार करता है। फिर चुप रहना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि जब वो धकेल देता है मुझे कि तेरी ज़िंदगी का मकसद ही यह है और अगर तुझे कोई मार दे तो मार दे, बस तूने यही करना है, तो बस फिर करना था। वाह वाह। तो सर, आपने जब खुदावंद ने आपको गीत देना शुरू किए तो सबसे पहला गीत कौन सा खुदावंद ने दिया और कब दिया? 1980 में जब खुदा ने यह कलाम किया कि गिटार साइड पे कर दे, कलाम पढ़ा कर, और जिसको कहूँ कि जाकर सुना दे जाकर सुना दिया कर, तो दाऊद की तरह मैं तुझे गीत दूंगा, दुनिया में ये गीत गाए जाएंगे अगर तू ताबेदारी करेगा। मैंने गिटार साइड पे कर दी, अच्छा जी कहा, और बस सजदा रेजी में और कलाम पढ़ने में, पढ़ाई थी या ये काम था। तो फिर चंद महीने गुजरे, मैं गिटार लेकर बैठा था, तो संडे स्कूल टीचर भी था, टीचर तो नहीं कहते थे, वो कहते थे मददगार, ताकि हम मगरूर ना हो जाएं। तो आप संडे स्कूल के मददगार हैं, तो संडे स्कूल के मददगार जमाते हर फ्राइडे की
शाम को जो हमारी टीचर थी उनके घर में इबादत होती थी, वो हमें बाइबल स्टडी सिखाती थी कि बच्चों के साथ कैसे डील करना। और उस दिन ये टॉपिक था कि गुनाह से बचना कैसे है, ताकि ये ना हो कि उनको सबक पढ़ाते रहें और ख़ुद गुनाह में रहें। तो हम वापस आ गए, मेरी बहन भी साथ थी, हम घर में थे। मैं दिल में कुछ उदास था, मैंने महसूस किया कि मैं गुनाह पे खुद गालिब नहीं आ सकता। नजात दहिंदा तो वो मेरा है, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत है कि हर रोज़ सोचों में रवैयों में गालिब आऊँ उसके फजल से, और बच्चों के लिए अच्छा नमूना बनूँ जिनको मैं कलाम सुनाता हूँ। अब जब मैं ये कह रहा था, ऐ खुदावंद मुझे तू अपने बाजुओं में ले ले ताकि मैं गुनाहों में गिर ना जाऊँ। अब जो कुछ मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये 1980 की कहानी है जो 2020 में फिर से दोहरा रहा हूँ। तो ऐसा ही हो रहा था, मेरी आंखें बंद थी तो बेख्तियार मेरे मुँह से निकल गया, और मैं जानता नहीं था कि ये गीत बन जाएगा। यूँ निकला, प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। मेरा तन मन और धन तेरे लिए, मेरा सारा जीवन तेरे लिए। मुझे ले चल तू अपनी राहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। और पूरा गीत बनता चला गया। मैंने कागज पकड़ा, साथ साथ लिखना शुरू किया। मेरे दिल को तू अपने रूह से भर, मेरा दिल हो सिर्फ तेरा ही घर। अब मैं तीसरा सुनाना चाहता हूँ। पापियों को मैं लाऊं तेरे पास, अपनी खुशी पाए जो है उदास, वो भी हो जाए तेरे गवाहों में। कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में, प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। फ्राइडे की क्लास थी, चार्ट पे लिखा, मैंने कहा ट्राई करते हैं, शायद ये गीत ही है। वाओ, बच्चों को जाके जब सिखाया वो तो चीख चीख के गाने लगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर चर्चेज में गाया जाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर किताबों में शाया होने लगा। वाओ, कैथोलिक चर्च ने बहुत गाया। खुदावंत की सिताइश हो, खुदावंत की सिताइश हो। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। बहुत खूबसूरत गीत खुदा के खादिम सुना रहे थे। कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और बातें करते हैं सैमुअल साहब के साथ, और कुछ और गीत भी सुनते हैं। आओ सना गाए अपने मसीहा की, आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की, आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ सना गाएं, और आज हम मना रहे हैं ईस्टर, ईद क़यामतुल मसीह, और हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम सैमुअल पॉल। सर, बहुत खूबसूरत गीत आपने शेयर किया है कलीसिया के साथ, और इवन मेरे साथ भी। हम बहुत छोटे छोटे थे जब आपके गीत गाया करते थे, और मुझे याद है कि मैं भी क्वायर में जब था तो एक गीत बहुत मतलब हम लोगों ने जब क्वायर में सीखा तो बहुत ज़्यादा उसको गाते थे। अभी भी कभी कभी चर्च में मैं गाता हूँ, उछला जाए है दिल जी, मेरे जी, सीने में क्यों ना गाए ये तेरी सना। मैं चाहूँगा ये भी शेयर करें हमारे साथ। ज़रूर। तो इसकी कहानी ये है कि मैं अक्सर ये सोचा करता कि हमारा दिल धड़कता खुदा के लिए, और गीत इंग्लिश का एक था, इट्स बबलिंग इन माय सोल। तो मैं खुदा उनसे अक्सर कहता कि या तो
किसी का लिखा हुआ दे दे जो उर्दू में हो, या फिर मुझे दे दे, हम भी तो हैं तेरे लोग जिनका दिल धड़कता तेरे लिए। तो बस फिर खुदावंद ने एक दिन मुझे दे दिया। और कहानी ये थी कि मैं पैदल चलता हुआ घर को आ रहा था, और ये काफ़ी साल पहले की बात है, यानी कि 1981 या 82 की। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं तेरी मोहब्बत पे गौर करता हूँ तो मेरा दिल मेरे सीने में उछलने लगता है, फिर मैं क्यों ना तेरी तारीफ़ करूँ, तेरी हम्द गाऊँ। और जब मैंने ये कहा तो बेख्तियार मेरे मुंह से ये गीत निकल गया, लफ्ज़ और ट्यून दोनों निकल गए। सो अभी कर लेते हैं उसको खुदा के जलाल के। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पना। मेरी हर खता के लिए, मेरी हर जफा के लिए, तूने खाई है मां चढ़ा सूली पे, मेरा बख्शा है एक एक गुना। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा सर, आज एक फुकदान नज़र आ रहा है कलीसियाओं में कि वो गीत जो आज से 20, 30, 40 साल पहले गाए जाते थे, 50 साल पहले गाए जाते थे, अब वो चर्चिज़ में गाए नहीं जाते। बल्कि अब जो गीत गाए जाते हैं उनमें एक तो अगर शायरी वाइज उसको देखा जाए तो वो अकॉर्डिंग टू द बाइबल लाइक उस मेयार पे पूरे नहीं आ रहे होते। कॉम्पोजिशन वाइज देखा जाए तो वो भी मौसीकी के लिहाज से देखा जाए तो कॉम्पोजिशन वाइज उस तरह से पूरे नहीं आ रहे होते। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा ज़ाती तजुर्बा तो यह है कि जैसे हज़रत दाऊद को खुदा ने गीत दिए तो रूह कुदस की तहरीक से थे। बिल्कुल। और गीत वही होने चाहिए जो रूह कुदस की तहरीक से हों। आमीन। देखें हमारे आईडी शबाज़ साहब जिन्होंने ज़बूर को फिर पंजाबी में किया और एक टीम वर्क किया, उनके साथ लोग थे, और सुना है कि वो बड़ी दुआ के साथ, इंतज़ार के साथ ये काम किया करते थे। वाह वाह। तो दुआ और खुदा के हुजूर में इंतज़ार बहुत ज़रूरी है, और गीतों को खुदा के हाथों से लेना ज़रूरी है। वाह। वही गीत होंगे जो खुदा की तरफ से आएंगे और वो फिर सदाबहार भी रहेंगे। क्या बात। और बरकत का बायस होंगे। वाह वाह वाह। और यकीनन ये वही गीत हैं जिनके बारे में अय्यूब भी खुदा के खादिम कहते हैं कि मगर कोई नहीं कहता कि खुदावंद मेरा खालिक कहाँ है जो रात को नगमे अनायत करता है। आमीन आमीन आमीन। तो बिल्कुल ऐसे ही है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। तो शायद कई दफ़ा हम जज्बों से गीत लिख लेते हैं लेकिन वो कलाम की कसौटी पे परखे नहीं जाते। बिल्कुल। और मैं हैरान होता हूँ, वैसे जितने गीत भी मुझे मिले वो टैली करते थे कलाम की सजाइयों के साथ। वाह। और कुछ लोगों ने कहा कि ये वाली आई थी और आपके उस गीत में आ रही थी, तो बल्कि मैंने कहा कि कई दफ़ा मुझे वो बात पता नहीं थी, गीत आ गया और बाद में समझ आई, वो ये तो उस कलाम का हिस्सा था। तो इसका मतलब है कि खुदा खुद रहनुमाई कर रहा था। तो ज़रूरी है कि खुदा की रहनुमाइयों से गीत लिए जाएं। वाह वाह वाह। और मैं तो एक और चीज़ महसूस करता हूँ कि मीडिया का, जो दुनियादारी की मीडिया का इतना असर है कि हमारे लोग, हमारे नौजवान जिनको खुदा ने अच्छी आवाज़ से ब्लेस किया है, कैमरा उन्हीं पे चलता रहता है, बात खुदा की हो रही होती है और प्रमोशन अपनी हो रही होती है, शायद उनको मालूम नहीं, उनको पता नहीं कि कुछ और भी हो सकता है। मैं सोचता हूँ कोई आयत आ जाए कलाम की, वही आयत वो जो गा रहे हैं वही अस्थाई या अंतरा आ जाए, या कोई नेचर सीन आ जाए, या लोग दिखाई दें। ये गाने वाला क्यों इतना ऑब्वियस हो गया, क्यों इतना फोकस हो गया? तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी टीचिंग की ज़रूरत है, शायरी के लिहाज से, मौसीकी के लिहाज से, और इसके अलावा अब जो फिल्मिंग है वो कैसे करनी है, वीडियो मेकिंग कैसे होनी चाहिए ताकि खुदा खुदा रहे और मिट्टी मिट्टी रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अहम पॉइंट है ये जी कि खुदा खुदा रहे और इंसान इंसान रहे, इंसान इंसान रहे। वाह। और जिस खुदा को हम वड्या रहे हैं, कभी कभी सर ऐसा होता है कि हम उस खुदा का जलाल खुद लेने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, जो कि हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता वो ट्राई मार रही है बस। और मतलब इसमें भी हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ जी, जी, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी जी। आप देखें कि पैदाइश 11वें बाब में उन्होंने अपना नाम करना चाहा तो खुदा ने उनकी जुबान में इख्तलाफ डाल दिया। वाह।
तो जहाँ भी कोई अपना नाम करना चाहेगा खुदा की जगह, वहाँ इख्तलाफ ही होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर गाने बजाने वालों से, कि आपकी इंटीमेसी खुदावंद के साथ होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली क्योंकि यीशु मसीह कोई भी काम करते थे, वो हर काम अपने बाप की मर्जी से और बाप से पूछ के करते थे। एग्जैक्टली है ना। और कोई भी काम यीशु बाप के बगैर नहीं, जब यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं जगह ब जगह हम देखते हैं कि यीशु कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, बल्कि जो कुछ मेरा भेजने वाला मेरा बाप मुझे कहता है मैं वही कहता हूँ। एग्जैक्टली इसका आपको वाकया मिलेगा यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब में। बिल्कुल। 38 बरस का बीमार इंतजार करता था सालों, वाह, खुदा यीशु आए, सबके पास क्यों नहीं गए? कम से कम लिखा सिर्फ यही है, हो सकता है औरों ने भी शिफा पाई हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जिक्र सिर्फ इस शख्स का है। तो उसके बाद जब वो ठीक हो गया तो फरीसियों ने पूछा कि भाई तू क्यों चार पाई उठा के चल रहा है? उसने कहा कि जिसने मुझे हुक्म दिया। अच्छा, कौन था वो? उसे मालूम नहीं था। फिर खुदावंद दोबारा उसको मिले और कहा कि दोबारा गुनाह ना करना वरना और मुसीबत में पड़ सकता तू। तो उसको पता चल गया ये यीशु है। अब वो जाकर बता रहा है जज्बों में, और वो खुदावंद के सामने आ गए, भाई ये तू क्यों कर रहा है, तूने क्यों इसको कहा, ये तो सब्बत का दिन था। तो खुदावंद ने कहा कि मेरा बाप काम करता है और मैं काम करता हूँ। वो अपसेट हो गए कि हम इसको ये समझा रहे थे कि सब्बत के दिन काम नहीं करना, और ये अब बेटा कह रहा है, खुदा को बाप कह रहा है। तो वो उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे। एक अगली बात बड़ी ख़ास है जी। खुदावंद यीशु ने कहा, मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो बाप को करते देखता हूँ वही करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दरअसल वो ये कह रहे थे, जो मुझे समझ में आया, कि मैंने जब बाप की तरफ देखा तो बाप कह रहा था 38 बरस के बीमार को कह उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो उसने कहा मैं नहीं करता खुद से, जो बाप को करते देखता हूँ वही करता हूँ। तो बाप ने ये सीन दिखा दिया होगा बेटे को, तो उसने वही कर दिया। आज हम ये नहीं कर रहे, हम मौजाद पर तालीमात पर तो चल रहे हैं, लेकिन बाप की हजूरी में उस तरह तालिब नहीं हो रहे। साधु सुंदर सिंह की बुक में लिखा है, वो कहते हैं कि मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद आप सब पे जाहिर क्यों नहीं होते, कितना आसान हो जाए आपको जानना। तो उन्होंने कहा लोग ख्वाहिश नहीं करते। तो आज की मसरूफियात तो इतनी बढ़ गई हैं कि अब फ़ोन हमारे हाथ लग गया है। तो लिखा था कि शरीयत की किताब तेरे मुँह से ना हटे, तो आज हम ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि फ़ोन तेरे मुँह से ना हटे। तो अब फ़ोन में अगर कलाम मुकद्दस हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर और चीज़ें हों तो बहुत सी बहकाने वाली चीज़ें हैं जो खुदा बाप की जगह ले चुकी हैं। yes. ना बाप की आवाज़ पहुंची, ना हमने वैसा किया। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल. तो गीत मुतासिर होंगे, फिर तो ज़िंदगी मुतासिर होगी दुनियादारी से। वाह। सो बाप को सुनना ज़रूरी है। वाह। यही मेन पॉइंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सर मैं बुक लिख रहा हूँ एक, खुदावंद ने मेरी रानमाई की है, द सिंस ऑफ माइंड। वाह। तो उसमें एक खुदावंद ने थॉट मुझे दिया जी, कि हवा को बागे अदन में सिर्फ दो आवाज़ें सुनने की आदत थी, एक खुदा की और दूसरी उसके शोहर की। लेकिन जब वो उस ममनुआ शजर के पास गई जिससे खुदावंद ने मना किया हुआ था कि नहीं खाना उसका फल, उसके पास गई है तो उसको एक तीसरी आवाज़ आई है जो एक स्ट्रेंज वॉइस थी, एंड शी नेवर न्यू। उसने कभी उसको ना सुना, ना जाना और ना पहचाना, लेकिन उसके बावजूद उसकी गलती ये थी कि उसने उसको ना सिर्फ सुना बल्कि रिस्पॉन्ड भी किया, जबकि वो जानती थी कि ये आवाज ना खुदा की है ना उसके शोहर की है, और वो भटक गई। और मैं समझता हूँ कि आज भी कलीसिया के भटक जाने और गुमराह होने की मेन वजह यहाँ पर ये भी है कि कलीसिया जानती है कि ये ना तो आवाज़ खुदा की है ना खुदा के खादिम की है, ये एक स्ट्रेंज वॉइस है, और हम स्ट्रेंज चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसी के साथ मैं कनेक्ट करूँगा कि हनानी और सफीरा, यस, पतरस ने ये कहा था कि तुम्हारे दिल में क्यों ये बात आई कि तुम रूह कुद्दस से झूठ बोलो, तुम्हारे दिल में शैतान ने क्यों डाला? ठीक है, तो अब शैतान डाल रहा था ना, तो रूह कुद्दस से झूठ बोला जा रहा था, लेकिन रूह कुद्दस तो आ चुका था। बात यह थी कि रूह कुद्दस से पूछा नहीं था, पूछा नहीं है। तो अगर घरों के अंदर दुआया मजबे होंगे और जोड़े और खानदान और अफराद पूछ लेंगे तो वो रहनुमाई कर देगा कि ये किसकी आवाज़ है। शैतान कह रहा है तुमने ये नहीं करना, तुमने ये करना है, जितने की ज़मीन बेची सारे पैसे तुमने ठाना था, अब शागिर्दों को जाकर दे दो। तो अब हम अक्सर हमारे मुँह पर ही होता है जी, खुदा का काम करें तो शैतान कर देता है ये, शैतान वो कर देता है। शैतान है कौन?
गिरा हुआ फरिश्ता है। बिल्कुल। तो हम तो पाखरू के पीछे लगाए गए हैं, तो जिक्र हम गिरे हुए फरिश्ते का कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली कहानी ये है कि इंसान बाप बेटे रूह कुदस के साथ कनेक्ट हो, ताकि जैसे वो कहें वैसे कर ले। जी सर, चूँकि हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है तो दिल चाहता है कि बातें करते चले जाएं, कलाम सीखते चले जाएं, लेकिन अभी चूँकि टाइम को फॉलो करना ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप जो कुछ भी खुदा आपके दिल में डाल रहा है हमारी नौजवान नस्ल के लिए, कलीसियाओं के लिए, लीडरशिप के लिए, आप ज़रूर कह दें। खुदा ठंडे वक्त में बाग अदन में आदम और हवा से मिलने आता था, बस ये वाला काम छूट रहा है। वाह, ठंडा वक्त सुबह का है और शाम का है। बस इसमें खुदा की आवाज़ के तालिब होना है, और जब तालिब होना है तो कुछ नहीं बोलना। खुदा मुझे ये सिखाता रहा है, खामोशी से मेरी आवाज़ सुनो, जब तक मैं ना बोलूँ इंतज़ार करो, फिर खुदा जो कहे वही कर लिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। ठंडे वक्त में खुदा का इंतज़ार करना है और खामोश रहना है, कुछ नहीं बोलना और कान लगाना है, सुनना है, क्योंकि लिखा है जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और खुदा यकीनन बोलता है, और हमें इसका तजर्बा है कि खुदा बोलता है, कलाम करता है और अपने लोगों की रहनुमाई करता है। इसी के साथ हम इजाज़त दें, आप मनाएं आज का ये खूबसूरत दिन, ईस्टर है, बच्चों के साथ घूमें फिरें, लेकिन इस पैगाम को जो बड़ा ख़ास है अपनी ज़िंदगियों में ले लें, कि खुदावन के तालिब रहें, उसके मुंतज़र रहें और उसकी आवाज़ को सुनते चले जाएं। इजाज़त दें मुझे और सैमुअल पॉल साहब को। गॉड ब्लेस यू ऑल। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।